और अब बात करेंगे बेतहाशा गर्मी की। हिमाचल में गर्मी से हाहाकार मचा है। मौसम विभाग ने लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सोलन और ऊना के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है। शिमला के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। तो गर्मी से हाहाकार मचा है हिमाचल में। कई जगह पर तापमान काफी ज्यादा है। मौसम विभाग ने लू का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में अलर्ट जारी किया है। और गर्मी को लेकर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के मैदानी भागों में भीषण गर्मी पड़ी हुई है, लेकिन अब पहाड़ भी तपने लग गए हैं और जिस तरह का मौसम बना हुआ है पहाड़ी इलाकों में चिलचिलाती धूप है और गर्मी का एहसास सब खुलकर हो रहा है। इस वक्त हम राजधानी शिमला में हैं और पहाड़ों की रानी शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान, जहां पर मैदानी भागों की भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए बेशक पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है और तापमान यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की भीषण गर्मी पहाड़ी इलाकों में भी पड़ेगी। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें सोलन, सिरमौर और उसके साथ साथ ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी के कुछ इलाके हैं जहां पर लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मैदानी भागों से कम गर्मी यहां पर है, उतनी गर्मी नहीं है। शिमला की बात करें तो पिछले कल का तापमान 3.6 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा तापमान वो ऊना का रिकॉर्ड किया गया है 44 डिग्री का। लेकिन इस बीच पर्यटक पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि घूमने के लिए आए हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। आप कहाँ से आए? हम जिला झालावाड़ राजस्थान से आए। अच्छा, तो कैसा लग रहा है शिमला में? वहां तो बहुत गर्मी होगी, यहाँ कैसा? वहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है लगभग, और यहाँ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 30 डिग्री तक यहाँ भी पहुंच गया है? नहीं, पर ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है? हाँ बिल्कुल। तो एंजॉय कर रहे हैं? हाँ कर ही रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों की छुट्टियां पड़ी होंगी तभी? छुट्टियां बच्चों की चल रही है अभी, समर वेकेशन। तो कैसा यहाँ शिमला में, कहाँ कहाँ घूमे आप? हम एक हनुमान जी के मंदिर गए और एक कसौली गए, कुफरी गए। कुफरी? हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को यहाँ पे माहौल देखे बहुत अच्छा लगा है, अच्छा सुंदर सा प्रतीत होता है। वहाँ आपके राजस्थान में तो उबल रहे होंगे? बहुत रहे हैं, वहाँ पे गर्म गर्म हवाएं चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ वहाँ बहुत गर्मी। आपको कैसा लगा शिमला? अच्छा लगा। गर्मी नहीं लग रही होगी यहाँ? गर्मी तो नहीं लग रही है, हाँ पर थोड़ी लग रही है। कहाँ कहाँ घूमे शिमला में? हम हनुमान जी मंदिर, कुफरी, और अभी हम यहाँ पे जाएंगे मार्केट में। अच्छा, कहाँ जाएंगे आप? लक्कड़ बाजार। अच्छा, वहाँ लकड़ी का सामान होते, क्या खरीदेंगे? बैंगल। बैंगल लेंगे? हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? व्यास। कैसा लग रहा है शिमला आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पहली बार आए शिमला? पहले भी आए? आपके वहाँ कैसी गर्मी है? बिल्कुल। तो ये पर्यटक हैं और राजस्थान से आए हैं और छुट्टियां भी मना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, क्योंकि समर वेकेशन है वहां पर। तो आप भी राजस्थान से हैं? बिल्कुल। आप वहां से और यहां का तापमान में तो बहुत अंतर है? डिफरेंट है सर, बहुत डिफरेंट है। यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत कम रहता है, वहां की अपेक्षा यहाँ बहुत कम टेम्परेचर है, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर भी गए। हालांकि अगर शिमला की बात करें तो पहले से थोड़ा तापमान बढ़ गया है। जो शिमला में ही रहते हैं उनको बेशक गर्मी लग रही है, लेकिन जो बाहर से यहाँ आए हैं वो खूब मजा यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाओं के बीच जो ये गर्मी है उसका एक अलग ही मजा है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, आज के लिए भी है और अगले कल के लिए भी है। मैदानी भागों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें खास तौर पर बात करें बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और सोलन, यहाँ पर ऐसे कुछ इलाके हैं, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर लू
चल सकती है, हीट वेव यहाँ पर चल सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और अगर ऐसी स्थिति कहीं बनती है तो जो लोग वहां पर रहते हैं उनको उस वक्त लू के दौरान किन चीजों का ख्याल रखना है उसको आप पूरी तरह से उसका ख्याल रखें। लेकिन इतना जरूर है कि पहाड़ी इलाकों में पर्यटक भी यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, मजा भी कर रहे हैं, और थोड़ी गर्मी बेशक पिछले सालों की तुलना में इस बार ज्यादा है, वो भी इस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। वीडियो जन शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।